हाय गाइज, वेलकम टू RY हेल्थ, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज हम लोग इस वीडियो में पाचन क्रिया तथा भूख को बढ़ने वाली दवा के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है डाइजेस्टिक एंजाइम। और दोस्तों, कई लोग इसे एरिस्टोजाइम के नाम से भी जानते हैं। इसमें मुख्यतः दो प्रकार के एंजाइम मिले होते हैं, वो है पहला डाइजेस्टिक एंजाइम और दूसरा है पेप्सिन एंजाइम। आज इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेंगे, जैसे इसकी ब्रांड नेम, इसकी यूजेज, इसकी डोजेज, इसकी साइड इफेक्ट। अगर आपको डाइजेस्टिक एंजाइम के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। डाइजेस्टिक एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन है, जो भोजन को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करती है। दोस्तों, डाइजेस्टिक एंजाइम सिरप फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में मार्केट में उपलब्ध है। ये जो अभी आप स्क्रीन पे सभी दवा को देख रहे हैं, इसमें डाइजेस्टिक एंजाइम मिला हुआ है। तो चलिए जानते हैं इसकी ब्रांड नेम के बारे में। इसका जो पॉपुलर ब्रांड है वो एरिस्टोजाइम है, और कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड है वो है बेस्टोजाइम, चेमोजाइम, एप्लोजाइम, बेलीजाइम। ये है कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड, और हो सकता है आपकी एरिया में कुछ और ब्रांड मिले। डॉक्टर और एरिया के अकॉर्डिंग ब्रांड इसका चेंज होता है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इतना यूज लिया जाता है कि इसे सभी कंपनियां ने बनाना शुरू कर दी है। लेकिन इसका केमिकल नाम डाइजेस्टिव एंजाइम और पेप्सिन ही रहेगा। और ये जो सिरप है, सभी कंपनियों का प्राइस लगभग 60 रुपया से लेकर 110 रुपया तक आपको मिल जाएगी, और जो एरिस्टोजाइम की जो प्राइस है वो 105 रुपया तक आपको मिल जाएगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं इसकी यूजेज के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाले बीमारियों को ठीक करने के लिए ये सिरप दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को खाना नहीं पच रहा हो तो उस समय दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को पेट फूला हुआ हो, उसका खाने का मन नहीं कर रहा हो, तो उस समय ये सिरप दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को गैस बना दिया हो तो उस समय दी जाती है। और कई बार इस सिरप को हिचकी को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस सिरप का प्रयोग वजन बढ़ाने के लिए किया जाता है, और हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से किसी और बीमारी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब चलिए जानते हैं वो कौन कौन से पेशेंट है जिसे ये सिरप नहीं देनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आँख से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो बिना डॉक्टर के ये सिरप न लें, और इस सिरप के प्रयोग के दौरान अल्कोहल ना लें। और इस सिरप के प्रयोग करने से अगर आपको चक्कर आ रहा हो, नींद आ रहा हो, तो आप ड्राइविंग ना करें, आप हैवी मशीनरी पर काम ना करें। तो चलिए जानते हैं अब इसकी डोजेज के बारे में। अगर आप ये सिरप डॉक्टर के सलाह से लेते हैं तो डॉक्टर तो इसके डोजेज बता देते हैं, लेकिन अगर आप मेडिकल स्टोर से लेते हैं या इसकी कॉमन जो डोजेज है, एक दिन में 10 से 20 ml दी जाती है, और दिन में 2 बार या 3 बार भी दी जा सकती है। और ये सिरप पेशेंट के उम्र और वेट के अनुसार से कैलकुलेट करके ये डोज डॉक्टर देते हैं। और ये सिरप खाने के साथ ही लेनी चाहिए, ना तो खाने के 1-2 घंटे पहले लेनी चाहिए और ना खाने के 1-2 घंटे बाद लेनी चाहिए। अगर आप खाने के साथ में ये सिरप को ले रहे हैं तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। चलिए जानते हैं इसकी साइड इफेक्ट के बारे में। तो डार्क ब्लैक स्टोन लग सकता है, पेट में इरिटेशन से हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, कब्ज बन सकता है, स्किन में रेशेस हो सकते हैं, उल्टी लग सकती है, गला में कुछ डैमेज हो सकता है। और अगर कुछ और साइड इफेक्ट अगर आपको दिखे तो अपने डॉक्टर से जाकर अवश्य मिलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।